नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी खबर है अपने पास। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो कृषि अनुशासक भर्ती हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की आज जारी कर दी गई है। दोस्तों आपको पता होगा ये एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ, तो यहाँ पेपर कोड 67 है और प्लस वाला जो पेपर है, प्लस जिसके मार्क किया हुआ है उसकी आप पेपर की आंसर की है, तो सबके अलग अलग पेपर हो सकता है। तो देखिए ये इसकी आंसर की है, अभी मैं मास्टर पेपर से इसकी आंसर की बताऊंगा। देखिए 4 मार्च 2021 यानी आज के दिन ये आंसर की जारी हुई है, लगभग 2 महीने बाद में। देखिए आप दोस्तों, यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटर 2019 फर्स्ट आंसर की ऑफ एग्ज़ाम इन्वेस्टिगेटर, इस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आप मास्टर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मास्टर क्वेश्चन पेपर फॉर एग्ज़ाम इन्वेस्टिगेटर। इसके बाद दोस्तों ये प्रेस नोट है आरपीसी, इसका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 4 मार्च 2021 बोर्ड द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2020 को आयोजित अनुशासक स्थिति भर्ती परीक्षा 2019 परीक्षा कोड 67 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो यहाँ देखिए दिनांक लिखी हुई है 6 मार्च से 8 मार्च तक 12 बजे तक आपको यदि कोई क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है तो आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या उत्तर के विकल्पों के उत्तर क्रम के आधार पर ही अपना आपत्तियाँ दर्ज करें, इसका विषय ध्यान रखें। शुल्क 100 रुपये है। तो देखिए ये ऑब्जेक्शन के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है, यदि आपको किसी क्वेश्चन पर प्रॉब्लम है तो। इसके बाद ये मास्टर पेपर है इसका, तो मैं आपको मिलान करके बताता हूँ कि इस पेपर के अकॉर्डिंग जो आंसर की बनी है यहाँ से आप डायरेक्ट मैच कर लेना। देखिए दोस्तों ये पेपर कोड है, ये 67 है और प्लस मार्क का है। सबसे लास्ट में देखना आप, आपको यदि प्लस का चिन्ह है पेपर पे, ये देखिए प्लस का चिन्ह आ रखा है ना, तो ये आपके लिए डिट्टो पेपर हो जाएगा। ये पेपर कोड 67 सबके लिए कॉमन है। तो देखिए यार, जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने क्या आंसर की मानी है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। तो यहाँ से आप अपना पेपर मिलान कर लेवें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ डायरेक्ट आपको इसके आंसर बताऊंगा जो अधीनस्थ बोर्ड ने माने हैं। पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना दोनों को, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑफिशियल आंसर की है दोस्तों जो आज ही बोर्ड ने जारी की है 4 मार्च 2021 को। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2016, ऑप्शन ए आंसर की के अनुसार, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचीबद्ध क्षेत्र में फसल उगाने वाले किसानों का बीमा स्वेच्छा से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जिले शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2015। क्वेश्चन नंबर 8 का
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26,690.98 लाख, ऑप्शन बी। नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2002। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40%। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रति 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा फिशर्स इंडेक्स पूछा है, फिशर के सूचकांक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में माना है, अभिनीति से स्वतंत्र होता है, ये बाउलेस कोफिशियंट है, तो इसका राइट आंसर हो गया 16 का ऑप्शन नंबर ए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.95। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोले। मध्यमान प्रमेय पहली बार रोले ने इस्तेमाल किया था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रतिबिंब गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक होता है, विशेषता नहीं है पूछिए दोस्तों, तो ये विशेषता नहीं होती है। 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/221। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ इसका राइट आंसर है चर घातांकी फलन। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ इसका राइट आंसर केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों पर। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमा विचलन से दो गुणा होगा, दो से गुणा होगा।
क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ऑप्शन बी शून्य। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए। सांख्यिकीय नियमितता नियम। क्वेश्चन नंबर 62, यह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन डी। व्यवस्थित देव निर्देशन। 64, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 66, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी निर्णय। 67, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 10। इसके बाद है 68, स्थगित प्रतिचरण किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबंधित प्रतिचयन। दोस्तों ये जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये फर्स्ट आंसर की जारी हुई है, इसमें एक भी क्वेश्चन भी डिलीट नहीं है। फिर 69 अपने पास है, 69 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, डाक द्वारा प्रश्नावलियाँ भेजकर। 70 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है निम्न सामान्य प्रश्न में बटन के संदर्भ में गलत कौन सा है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिट्टा 1 = 3। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बे। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनगणना व प्रतिशत दोनों में। 77 है इसके बाद, 77 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50%। 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3/28। इसके बाद है 81, तो 81 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 83 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुच्छ प्रतिचयन इसका आंसर होगा क्लस्टर सैम्पलिंग। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 86 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 87 का राइट आंसर, जैसे ये क्वेश्चन डिलीट होगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसने राइट आंसर माना है, Q1 + Q2। आपको पता होगा Q1 + Q3 होता है यहाँ, तब धनात्मक विषमता होती है, और 2Q2 ये ओके है, ये 100% डिलीट क्वेश्चन होगा। यदि इसके अकॉर्डिंग देखें तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो फाइनली 87 है, इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ऑनलाइन वीडियो बनाऊंगा, तो अपन बात करेंगे कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माध्य प्रसरण बराबर होते हैं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी बड़ा होता है 1/2 से। 93 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी EX.EY। दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 95 है, तो 95 का राइट आंसर उन परिस्थितियों में उपयोग की जाती है जब समग्र स्पष्ट रूप से परिभाषित न हो और प्रतिचयनित इकाइयां भी स्पष्ट ना हो। इसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसने इसका राइट आंसर बताया ऑप्शन नंबर बी, सुविधा अनुसार प्रतिचयन। फिर 95 के बाद 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुक्रमिक। 100 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 101 अब ये जीके से संबंधित है, यहाँ इसने राइट आंसर माना 101 का ऑप्शन नंबर ए मेवात। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैनधर्म। ये जीके थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, चेक कर लेना आप। 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने माना है, जबकि इसका राइट आंसर राम सिंह द्वितीय भी सही हो सकता है। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्याम कृष्ण वर्मा। 105 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तख्त सिंह, जोधपुर का राजा था ये। 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 107 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सात सहेली मंदिर। 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आबा नेरी, दोसा में स्थित है। 109 ऑप्शन नंबर ए बिजोली अभिलेख। 110 ऑप्शन नंबर डी
जगदेव। 111 ऑप्शन नंबर ए जालाजा। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांडोली। इसके बाद 113 इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी संत हरिदास, जो डीडवाना जिले से संबंधित थे, नागौर जिले से, नागौर में डीडवाना। 114 का राइट आंसर राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विख्यात है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़। 115 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वीर सतसई, ऑप्शन बी वीर सतसई। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 मार्च 1948। 116 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 117 जिसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर ए नारायण देवी वर्मा। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराज रतन सिंह। 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खेराबाद। 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खेराबाद। 120 का राइट आंसर भी बी होगा जहांगीर। इसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन है, तो 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी और 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, 125 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मनोहर। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलरो पहना जाता है, तो आलरो है वो महिला द्वारा ललाट पर पहना जाता है। इसके बाद 126 यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनास नदी। फिर 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलवर भरतपुर। 128 का हो जाएगा ऑप्शन डी जीरो फाइट्स। 129 का हो जाएगा बी पेरेवेलिक। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुखड़ी। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 132 का ए रणथंभौर और 133 का ऑप्शन नंबर सी जल। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एविकानगर टोंक। 135 का राइट आंसर ऑप्शन डी बाड़मेर। 136 का राइट आंसर ऑप्शन बी जोधपुर। 138 का राइट आंसर ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर। फिर 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटी सोल्स। 140 का हो जाएगा 140 का ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू। 141 का राइट आंसर सी बांदीकुई। 142 का राइट आंसर सी दक्षिण। 144 का राइट आंसर सी मावट। 145 का राइट आंसर 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सवाई माधोपुर। 146 का राइट आंसर बी माउंट आबू। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। 148 का राइट आंसर हो जाएगा 148 ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट। 149 यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैसलमेरी। और अंतिम प्रश्न है इसका टांका और खड़ीन प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। तो इस प्रकार ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जारी फर्स्ट आंसर की थी
देख सकते हैं आज ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। ये मास्टर पेपर है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको इस पेपर की आंसर की बताई है। आप मिलान कर सकते हो डायरेक्ट अपने पेपर की सहायता से, क्योंकि पेपर कोड सबके अलग अलग है, किसी के मैच होगा किसी के मैच नहीं होगा। तो ये एक प्रश्न भी डिलीट नहीं किया है, 150 प्रश्नों के आंसर की बताए हैं, सारे के सारे प्रश्नों के आंसर बता दिए गए हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, और जो इसकी फाइनल आंसर की है उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वापस एक बार इस लाइव ऑप्शन में आऊँगा, मैं आपको बता दूँगा वीडियो के माध्यम से। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस आंसर की में से मात्र 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने अलग बताए हैं, बाकी लगभग वही आंसर की है। आप मैच कर लेना मेरे पहले वाले वीडियो से और अभी वाले वीडियो से, लगभग सेम आंसर की है, 5-10 प्रश्नों का केवल अंतर है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।